कौन संभालेगा? आज राजस्थान के अंदर हमारी क्या स्थिति है? राजस्थान के अंदर 20% यहाँ जनसंख्या जाटों की है और राजनीति के अंदर 45 से 50 और 30 के बीच के अंदर हमेशा विधायक और एमएलए एमपी रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान बाढ़ में से लेकर जोधपुर तक और भीलवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर तक मुझे एक भी चौराहा बता दो जिसका नामकरण चौधरी, चरण सिंह चौधरी, देवीलाल चौधरी, बंसीलाल या चौधरी बंदेवराम मेहता के नाम से हो। जबकि वार्ड बन जाओगे नगर पालिका के मेंबरों की मूर्तियां लगी हुई है जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ नहीं किया, इस बात की मुझे पीड़ा होती है। मैंने 2008 के अंदर राजनीतिक चिंतन शिविर किया था जयपुर में, उस समय मैंने पिंक सिटी प्रेस के लिए एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वालों ने पूछा आपने चिंतन शिविर किस लिए रखा? मैंने कहा मैं जाटों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना चाहता हूं, तो वो हंस पड़े। दूसरी कौमत यह जानती है कि जाटों जितनी राजनीतिक चेतना किसी में है ही नहीं। उन्होंने कहा हम तो सबसे ज्यादा जाटों में ही जानते हैं राजनीतिक चेतना। मैंने कहा भाई अगर 50 से 51% अगर किसी के वोट आ जाते हैं, वो मूर्ख होता है तो भी वो तो एमएलए बनता है। तो हम संख्या में ज्यादा है, हमारे विधायक भी जीत कर जाते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना थोड़ी है। जयपुर में कितने चौराहे का नाम है, कितने राजस्थान के अंदर मूर्ति लगी हुई है जाट विद्वानों की, जाट महापुरुषों की। दिल्ली जो हमारी हृदय स्थली है, जो दिल्ली है, सर छोटू राम जी ने कहा था अगर रात को सोते भी हो तो दिल्ली की तरफ मुंह करके सो। दिल्ली हमारी हृदय स्थली है। दिल्ली के अंदर सबसे अधिक जो आबादी रही वो जाटों की रही। लाल किला, संसद, ये सारे दिल्ली के जाटों के गांव में बसे हुए हैं और 99 साल के लीज पर लिए हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर तुगलक मार्ग, हुमायूं मार्ग, अकबर मार्ग, फलाना ढींगड़ा पूंछड़ा कितने मार्ग निकल जाएंगे, लेकिन जाट के नाम से एक भी नामकरण नहीं। हम कहां जागरूक हुए? एमएलए जीत कर हमारे पश्चिमी राजस्थान के एक एमपी जीत कर गए, पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा? तो उन्होंने कहा मेरा सपना पूरा हो गया। आपका सपना पूरा हो गया, लेकिन पूरे समाज की ऐसी कैसी कर दी आपने। एक आप